पूर्ण महेश्वर दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव उदित होने वाले हैं, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 10 जुलाई 2024 की प्रातः 7:59 पर शुक्रदेव कर्क राशि में उदित होने वाले हैं, यानी बलवान होने वाले हैं, और 31 जुलाई 2024 तक ये कर्क राशि में काफी प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। शुक्र के उदय होने से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है और किन किन क्षेत्रों में शुक्र आपको बड़ी खुशखबरी भी देने वाले हैं। शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और देखिए, मान्यताओं के अनुसार इनको दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्र को वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी भी माना जाता है। अगर ये किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली में प्रभावी अवस्था में विराजित हो तो देखिए, जीवन में आत्मसंतुष्टि देखने के लिए मिलती है। देखिए, बलवान शुक्र के प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन अवसर क्रिएटिव क्षेत्रों को लेकर देखने के लिए मिलता है। शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक आर्थिक मोर्चे पर प्रबल धन का लाभ जीवन में अर्जित करता है और ऐसा व्यक्ति मौज मस्ती के लिए जो धन का व्यय है काफी ज्यादा करता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है तथा यही शुक्र यदि जन्म कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो देखे जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। सेक्स के रोग यानी यौनांगों में जननांगों में बीमारियां होने लगती है। महिलाओं को समस्याएं होती है तथा शुक्र के पीड़ित होने पर डायबिटीज की समस्या, कफ और वायु जनित रोग भी देखने के लिए मिलता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से मानसिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, यह जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके पराक्रम भाव और आपके कर्म स्थान के स्वामी माने जाते हैं। 10 जुलाई 2024 को आपके राशि से द्वादश भाव में 12वें घर में उदित होने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव से विदेश के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, हानि के बारे में, मोक्ष के बारे में, सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। आपके द्वादश भाव में 10 जुलाई से शुक्र के उदय होने से कई प्रकार का शुभ संकेत सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और पूर्व समयावधि में ये अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो सिंह राशि वाले जातकों का जो पराक्रम था, जो आपका मनोबल था, उसमें काफी कमी आपको जरूर मिल रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 से आने वाले एक वर्ष तक ये काफी प्रभावी रहेंगे, ये अस्त नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर 31 जुलाई तक आपके मनोबल में, आपके आत्मिक साहस में वृद्धि करने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव विदेशों से है, विदेश रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, यह सिंह राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा
या किसी प्रकार का व्यापार संचालित कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को भी शुभता मिलने वाली है। द्वादश भाव पर प्रभावी हैं तो देखिए आपके जीवन में धन की हानि भी आपको होने वाली है, फिजूल खर्ची आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहने वाली है। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है, आप अपने जीवन में जो अपना धन है उसको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में यदि आप व्यय करते हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। और देखिए द्वादश भाव पर उदित होने वाले हैं तो इस समयावधि में जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, देखिए वैवाहिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको वाद विवाद भी मिल सकता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी सिंह राशि वाले जातकों को काफी सावधान रहना चाहिए। और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के रोग भाव पर पड़ने वाली है, गलत खान पान का सेवन करेंगे तो आपको शरीर में घबराहट की समस्या हो सकती है। यदि आप मांसाहार का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर नहीं चलते हैं तो कई प्रकार की मौसमी बीमारियां आपको होने की संभावना भी बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए शुक्र जनित दुष्प्रभावों को यदि आप जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की आराधना करना, उपासना करना शुभ रहने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करते हैं, श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं, यदि आप खीर का भोग लगाते हैं, परिवार के सभी सदस्यों में बांटते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता इस समयावधि में मिल सकती है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को शुभता अर्जित करने के लिए देखिए सूर्य को जलाभिषेक करना भी शुभ रहने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।